राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। चिंतन शिविर में पार्टी नेताओं ने यह मांग की। अध्यक्ष बनने के बाद जन जागरण यात्रा की सलाह भी दी गई। एक साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की मांग की गई। जन जागरण यात्रा का ज्यादातर हिस्सा पद यात्रा का होगा। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने अपने पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए मंथन किया तो नाम फिर गांधी परिवार से ही निकल कर आया। तीन दिवसीय चिंतन शिविर में बुलाई गई एक बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, प्रभारियों और प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ कल बैठक की थी, जिसमें इस बात की मांग की गई कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। ये प्रस्ताव भी रखा गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के बाद भारत यात्रा निकालें और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की आम जनता से सीधा संवाद करें। इस यात्रा का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा को जन जागरण यात्रा नाम देने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर तकरीबन सहमति भी बन गई है। वहीं ये प्रस्ताव भी रखा गया कि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष बनी रहें और यूपीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए और सहयोगी दलों को साथ जोड़ना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।